ए अगर वीडियो चालू कर दिए तो सब्सक्राइब करके घंटी पे दबा देना ताकि न्यू वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं आज एज अ जेंटलमैन क्यों ड्रेस्ड अप हुआ हूँ। उसका कारण यह है क्योंकि हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर कुटपटांग मस्ती होती रहती थी, तो आज की वीडियो बहुत सीरियस होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम करेंगे फिजियोथेरेपी पे बात करने वाले हैं। 80% लोगों को पता ही नहीं है कि फिजियोथेरेपी होती क्या है और उसका बॉडी बिल्डिंग में क्या उद्देश्य है, तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मिस्टर ताहिर जी को। इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट और आज इनके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, सो लेट्स सी हाउ ही आंसर्स देम और मूव ऑन करते हैं। साहिर, वेलकम टू द चैनल। ऑडियंस वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू, एक्चुअली एवरीथिंग अबाउट यू। हाउ इज़ योर डे बीन एंड व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली? आई एम डॉक्टर ताहिर, एमपीटी ऑर्थो बीपीटी। आई एम रनिंग माय ओन क्लिनिक। लेट्स थैंक यू। ऑलराइट, सो मिस्टर ताहिर से आपका इंट्रोडक्शन हो ही चुका है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है मिस्टर ताहिर की, व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी? आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनको पता ही नहीं है कि 80%, मैंने देखा है कि आज मैं अपनी जिम में भी जाता हूँ, जो आजकल का यूथ है उनको इसके बारे में पता ही नहीं कि फिजियोथेरेपी होती क्या है। तो हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि उसके बारे में थोड़ा एलेबरेट कीजिए। फिजियोथेरेपी एक तरह के मतलब कि एक्सरसाइज के द्वारा हम लोग ट्रीट करते हैं पेशेंट को, और कुछ मशीन्स भी यूज़ करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन होती है जो पेन को रिलीव करती है। okay. जैसे मसल्स कोई टियर हो गई, मसल में पेन हो गया, या फिर कोई मसल जॉइंट डिसलोकेट हो गई है, उसको हम ट्रीट करने के लिए हम फिजियोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। और क्रैम्स आ जाते हैं बहुतों को, उसमें भी हम यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी का। और बहुत सारी चीज़ें डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि शोल्डर में पेन हो गया, एल्बो पेन हो गया, ज़्यादा बॉडी बिल्डर में कहते लंबर में ज़्यादा पेन हो जाता है और नी में ज़्यादा पेन होता है, उसको ट्रीट करने के लिए फिजियोथेरेपी का यूज़ करना चाहिए। मिस्टर साहिर, आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपकी फिजियोथेरेपी होती है वो मल्टीपर्पज़ होती है, यानी कि आप पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो वो? हाँ, वो अलग अलग चीज़ों के लिए भी यूज़ की जाती है? हाँ, मल्टीपर्पज़ होता है ये। अलग अलग चीज़ के लिए, अलग अलग डिजीज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे पैरालिसिस हो गया किसी को, उसको भी हम यूज़ कर, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और मिस्टर ताहिर, ग्रेट आंसर, बहुत अच्छा लगा। पहला क्वेश्चन आपने इतना अच्छे से जवाब दिया, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन एंड दैट इज़, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फिजियोथेरेपी इन बॉडी बिल्डिंग? मतलब फिजियोथेरेपी का कोई उद्देश्य है बॉडी बिल्डिंग में? फिजियोथेरेपी का जो बॉडी बिल्डिंग में है उसका मैंने अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसमें, अगर फिजियोथेरेपी कोई बॉडी बिल्डर कराए अपना, जैसे कि उसको कोई इंजरी हो गई या फिर कोई भी मसल्स में क्रैम्प्स हो गए, और कोई भी मैंने ओवर यूज़ इंजरी हो जाती है जी, तो उसमें ज़्यादा हेल्पफुल करता है फिजियोथेरेपी। तो मतलब हेल्पफुल कैसे होता है कि मतलब जब मसल ड्यूरिंग द वर्कआउट फिटिक हो जाता है, डोंस में इफेक्ट करता है, एंड हाउ डू यू सॉल्व इट? उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको मसल्स को ज़्यादा वो एक्टिव हो जाती है तो उसको हम रिलैक्स करते हैं थ्रू थेरेपी के थ्रू। जैसे आइसिंग हो गई, आइसिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, क्रायोथेरेपी कहते हैं उसको। और मॉडलिटीज़ होती हैं हमारी बहुत सारी, 2-3 तरीके की, उससे हम उसको मसल्स को रिलैक्स करते हैं। और सॉफ्ट टिश्यू मसाज थेरेपी होती है, उसके थ्रू भी हम मसल्स को हम रिलैक्स करते हैं और उससे पेन को रिड्यूस हो जाता है उससे। और प्लस उसमें हमें जैसे क्रैम्स पड़ते हैं बहुतों को, उन्हें पता ही नहीं होता क्रैम्स कैसे पड़ रहा है, और तो उन्हें ज़्यादा मतलब कि वाटर लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी उनको लेना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे 2-3 घंटे पहले उनको कार्बोहाइड्रेट ले लेना चाहिए, उससे क्रैम्स कम आते हैं। प्लस सोडियम पोटेशियम का लेवल भी इंक्रीज़ करना चाहिए। और
और मिस्टर ताहिर, आप ये कह रहे हैं कि जो द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि आपका जो बॉडी का जो वाटर रिटेंशन होती है उसको, वाटर इंटेक को इंक्रीज़ किया जाए, और जो आपने मुझे गाइस मेरा लास्ट वीक मेरे मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुका था, लेग्स लगा रहा था, तो मैं यहाँ पर आया, हनी भाई के पास आया, तो मैं उठ नहीं पाया क्योंकि मेरे लेग्स इतने क्रैम्प कर रहे थे मेरे क्वाड्स के अंदर, क्योंकि उसका रीज़न ये था, बाद में पता चला मुझे, मैंने मिस्टर ताई से बात करी, उसका रीज़न यही था कि बॉडी के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम की कमी हो गई थी बहुत ज़्यादा। ड्यूरिंग द वर्कआउट मैंने बहुत ज़्यादा पानी अवॉइड करा, पता नहीं क्या चल रहा था उस समय दिमाग में कि ऑब्वियसली कोरोना है तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ बाहर का कुछ भी लेने का। तो मिस्टर ताहिर ने मुझे एक चीज़ सजेस्ट करी, वो थोड़ा आपसे शेयर करना चाहेंगे कि उससे मुझे बहुत रिलैक्स हुआ और मसल एकदम से मतलब ऐसा हो चुका था कि मैं दोबारा खड़ा हो जाएगा, तो वो थोड़ा शेयर करेंगे मिस्टर ताहिर। हाँ, मैंने इनको बताया था कि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए थे, लेकिन इनके घर में इलेक्ट्रोल पाउडर था नहीं, तो इन्होंने नींबू पानी पिया तो उससे भी इनका क्रैम्प्स तो डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया। मेनली रीज़न क्रैम्प्स का ये होता है कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वाटर इंटेक लेना चाहिए, सोडियम पोटेशियम का लेवल सही होना चाहिए। और एक रीज़न और होता है इसमें, मैग्नीशियम का भी बहुत अच्छा रोल होता है क्रैम्प्स में, अगर मैग्नीशियम आपका प्रॉपर है तो उससे भी क्रैम्प्स आपके बहुत कम आते हैं और वो मसल्स को भी रिलैक्स करते हैं मैग्नीशियम, वो अच्छा इफेक्ट करते हैं मैग्नीशियम मसल्स क्रैम्प्स। तो मिस्टर ताहिर, जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप नहीं वो कर पा रहे तो उसके थोड़े से आप ऑल्टरनेटिव वो बता सकते हैं, नींबू पानी भी ले सकते हैं आप उसके जगह, नींबू पानी एंड आप टैबलेट भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम के टैबलेट्स आती हैं और इलेक्ट्रोल पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट BCAAs, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स? हाँ, अमीनो एसिड्स भी ले सकते हैं, वो ज़्यादातर ओवर यूज इंजरी में वर्क करते हैं, वो ज़्यादा इंजरीज़, हाँ इंजरीज के अंदर अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे, जैसे क्रिएटिनिन और भी जो अमीनो एसिड है उसमें वर्क करते हैं। LRG9 भी यूज़ करते हैं हम, LRG9 जो बॉडी बिल्डर अक्सर यूज़ करते हैं, LRG9 ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए, उससे भी हम मसल्स क्रैम्प्स को कम रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट मिस्टर ताहिर, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड अ बॉडी बिल्डर, मतलब आपने कभी ऐसा आपके ऐसा कुछ तजुर्बा हुआ हो कि आपके पास बॉडी बिल्डर आया हो और किसी इंजरी को लेकर के आया हो, मसल टीयर को, डिसलोकेशन, किसी भी, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे जो आज का यूथ रिलेट कर सके? जो मैंने बॉडी बिल्डर्स जो हैं उनको ज़्यादातर तो पता ही नहीं फिजियोथेरेपी में होता है क्या है, और बस वो यही जानते हैं कि बस सर्वाइकल पेन, लंबर पेन, नी पेन हो गया तो जाके लगभग फिजियोथेरेपी करा लेते हैं। बॉडी बिल्डर्स को भी समझना चाहिए कि हमें कैसे जाके फिजियोथेरेपिस्ट को बताना चाहिए कि हमें पेन हुआ है तो कैसे हम इसको पेन को रिड्यूस करेंगे, और मसल टीयर हुआ है तो इसको कैसे करेंगे सही, और प्रॉपर पोस्चर बॉडी बिल्डर्स को पता होना चाहिए कि किस पोस्चर में हमें एक्सरसाइज करने चाहिए, प्रॉपर पोस्चर सही होगा तभी उनका जो पेन है, जो मसल टीयर हो रही है वो कम होगा उससे। तो जाके एक बार कंसल्ट करना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट से कि हम कैसे एक्सरसाइज करें। एक्चुअल कोच तो होते हैं लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि कैसे पोस्चर होना चाहिए, तो मिस्टर ताहिर आपने जैसे बताया कि जब उनको पता हुआ तभी तो वो रीच आउट करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट को, तो आजकल की जिम्स में क्या होता है, आजकल की नहीं शुरू से चलता आ रहा है कि मूव लगा ली ठीक हो गया एंड देन अगेन दे गेट इंजर्ड, तो आप थोड़ा सा आज के यूथ को इतना मैसेज दीजिए कि आप भी डॉक्टर से कम नहीं होते, यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स, आप भी बिल्कुल एकदम रिकवर पोजिशन में ले आते हैं उनको। मैं यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि उनको प्रॉपर नॉलेज अपने बॉडी के बारे में होना चाहिए कि कैसे उसको हम इंजरी को प्रिवेंट करें, और जाके कभी फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट करना चाहिए कि हम कैसे एक्सरसाइज करें, और जैसे नी में पेन हुआ या शोल्डर में पेन हुआ तो उसको हम कैसे हम प्रिवेंट करें कि आगे और फर्दर इंजरी ना हो, और प्रॉपर तरीके से उसमें एक्सरसाइज करें, हम प्रॉपर वेट उठाएं और कितना वेट उठाना चाहिए कितना नहीं उठाना चाहिए, अगर इंजरी हो गई है तो हमें एक्सरसाइज को बंद करना चाहिए या फिर चालू रखना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जाके हमें फिजियोथेरेपिस्ट से पूछना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि हम कब जाके फिर दोबारा हम वेट वर्कआउट करें और कब नहीं करें, और कितने दिनों के लिए हम स्टॉप कर दें उसको,
मिस्टर ज़ाहिर, आप थोड़ा सा आज की या आज एक छोटा सा और टॉपिक कवर कर लेते हैं इसी के अंदर कि व्हाट इज़ मसल टियर। उससे तो आप काफ़ी ज़्यादा वो होंगे, तो आप थोड़ा उसके बारे में भी एक्सप्लेन कीजिए कि अगर आपने अभी, मैं मिस्टर ताई से यही बात कर रहा था बिफोर द शूटिंग कि थोड़ा मसल टियर के बारे में बताइए, तो इन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि कुछ बी ग्रेड्स होते हैं, ए ग्रेड्स होते हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। वो मसल टियर एक्चुअली होता है इसलिए है कि बहुत से बॉडी बिल्डर्स सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी मसल्स अपनी ज़्यादा डोले शोले बना लूँ, ज़्यादा ज़्यादा वेट उठा के, तो उससे क्या होता है कि मसल्स टियर हो जाती है। तो मसल्स के टियर के ग्रेड्स होती हैं अलग अलग, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, मैंने माइनर टियर होता है, फिर कंप्लीट टियर हो जाता है। तो हम लोग जैसे फिजियोथेरेपी में तो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड से में तो फिजियोथेरेपी वर्क करती है, लेकिन थर्ड और फोर्थ ग्रेड में उसको फिर सर्जन के पास जाना पड़ता है, सर्जरी करानी पड़ती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जो वर्कआउट कर रहे हैं उसको, जो वेट उठा रहे हैं उसे कम ही वेट उठाएँ कि मसल्स टियर ना हो, उससे बचना चाहिए। मिस्टर ज़ाहिर, हमने इस ग्रेड्स के बारे में बात कर ली, लेकिन अभी भी लोग सोच रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ग्रेड्स का इन्होंने तो मेंशनिंग कर दिया है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली आर ग्रेड्स? तो आप थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कीजिए कि ग्रेड्स असल में है क्या। ग्रेड्स मतलब, ग्रेड्स का मतलब ये है कि जैसे कि मसल्स होती हैं वो फाइबर प्रोटीन से बनी होती हैं। आप लोग समझते हैं प्रोटीन के बारे में, वेरी वेल नो अबाउट सप्लीमेंट ऑफ प्रोटीन। जो मसल्स हमारी बनी होती हैं वो प्रोटीन से बनी होती हैं, और उसमें फाइबर्स होते हैं, मसल्स में फाइबर्स होती हैं। तो अगर वो ऊपर की लेयर टूटी तो वो फर्स्ट ग्रेड हुआ, फिर और डीप गए तो सेकंड ग्रेड, और उससे कंप्लीट हो गया तो वो पूरा थर्ड या फोर्थ ग्रेड हो गया। तो ये मसल्स टियर्स की ग्रेड्स होती हैं। जी, तो आपने बताया कि जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड होती है वो फिजियोथेरेपीज रिकवर हो सकता है, वो आफ्टर द सेकंड ग्रेड, आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड उसको हम सर्जरी करवाना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग द क्वेश्चन गाइस। मूविंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज डिसलोकेशन। मतलब इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी बहुत यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मगर वी गॉट प्रोफेशनल थेरेपिस्ट राइट हियर, सो व्हाई नॉट कवर दिस क्वेश्चन एज वेल। तो डिसलोकेशन पे बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे एक काफ़ी क्लोज पर्सन है मिस्टर वोरा साहब, राघव वोरा, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम रह चुकी है लास्ट वीक भी, कि सोते सोते उनके ना कंधे उतर जाते हैं। तो क्या करते हैं, उनकी दर्द के मारे वो उठना पड़ता है उनको, स्ट्रेचिंग करते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं, और हैवी वेट जाते हैं तो दोबारा से उनका कंधा उतर जाता है, डिसलोकेट हो जाता है। तो मिस्टर ताहिर, आप भी थोड़ा सा इस पर भी एक्सप्लेन कीजिए कि इसका रीज़न क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। जो डिसलोकेशन होता है वो मेनली ज़्यादातर हमारा शोल्डर जॉइंट में ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा डिसलोकेशन हमारा शोल्डर जॉइंट में होता है, क्योंकि जो शोल्डर जॉइंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। वो तीन हड्डियों से मिलके वो जॉइंट बना होता है, जो पीछे की हड्डी हो गई और आगे की हड्डी हो गई और ये वाली हड्डी हो गई, उससे वो तीनों मिलके वो जॉइंट बनता है, और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है और बहुत ही वीक जॉइंट होता है। अगर हमने कोई सा भी हैवी वेट उठा लिया या तो उससे क्या होता है कि वो जॉइंट वो डिसलोकेट हो जाता है। और प्रॉपर और बार बार जो ये बता रहे हैं वोरा साहब का, बार बार जो डिसलोकेट हो जाता है रात में सोते वक्त, उसमें क्या होता है कि जो मसल्स हैं उनकी प्रॉपर बैलेंस नहीं होती है, पुअर पोस्चर की वजह से उनके जो मसल्स हैं वो वीक हुई हैं, कुछ मसल वीक हो गई हैं, कुछ कुछ टाइट हो गई हैं, तो उन मसल्स को पूरा स्टेबलाइज करना पड़ता है, उसको प्रॉपर उसको पोस्चर में लाना पड़ता है, प्रॉपर बैलेंसिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो जो डिसलोकेट बार बार जो डिसलोकेट होता है जो शोल्डर जॉइंट उसको सही कर पाता है। तो मेनली ये फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे तरीके से कर देते हैं, सही कर देते हैं इसको कि बार बार वो डिसलोकेट ना हो। मिस्टर ताहिर, अभी थोड़ा सा आपने बताया कि फिजियोथेरेपी इसको परमानेंटली फिक्स कर सकती है अगर कंटिन्यूसली इसकी वो करी जाए देखभाल फिजियोथेरेपी के ज़रिए। तो वो जो होते हैं आपके क्या नाम है, जो जिम के आपके रगड़ के मलहम वो कर देते हैं, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है या फिर
उसके बारे में कुछ बताइए। जो मलहम जो गलियों में जो बता रहे हैं या फ़कीर मिल जाते हैं उनसे, तो मतलब कि वही है कि उनसे बस पेन जो मलहम लगा देते हैं उससे पेन कम हो जाता है, लेकिन ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कौन सी मसल्स जा रही है, कौन सी मसल वीक हुई है, किसको हमें स्ट्रेन करना है, किसको हमें लूज़ करना है कि उसका प्रॉपर पोस्चर बना रहे, प्रॉपर जॉइंट का एक बायो मैकेनिक्स होता है कितने डिग्री पर मूव कर रहे हो वो जॉइंट, तो उन्हें पता ही नहीं होता। वो तो मलहम लगाया और फिर उसके बाद से वो पेन कम हो गया, सोचते हैं मेरा पेन कम हो गया तो सही हो गया हमारा जॉइंट, लेकिन वो प्रॉपर उन्हें बताते नहीं कि कौन सी मसल्स वीक है, कौन सी टाइट है और कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए जिससे ये डिसलोकेट बार बार ना हो, तो उन्हें पता ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता ऑब्वियसली इस बारे में, वो सोचते हैं कि मसल का पेन है, उनको असल में यही नहीं पता कि डिसलोकेशन होती क्या है। जी तो थैंक यू सो मच वोरा साहब, आप प्लीज़ टेक पॉइंट्स, और अगर आपको लास्ट में मैं मिस्टर ताहिर का कॉन्टैक्ट नंबर एंड एवरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा मिस्टर वोरा साहब, और ऑडियंस जो भी देख रही है, तो अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट हिम, ही विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ऑलराइट मिस्टर ताहिर, दैट्स इट फॉर द क्वेश्चंस टुडे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये तो आपने अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में हमसे शेयर करी बातें, तो ऑब्वियसली ऑडियंस को बहुत अच्छा आज इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाला है। तो आपके प्रोफेशनल करियर से थोड़ा हटके मैं आपकी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि व्हाट यू हैव टू से अबाउट सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स लाइक BCAAs, वे प्रोटीन्स एंड स्टफ लाइक दैट, क्रिएटिन एज वेल, सो प्लीज़। सप्लीमेंट मैं तो कहता हूँ कि आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए, लेकिन प्रॉपर डोज में लेना चाहिए सप्लीमेंट को। अगर आप गए जिम में, गए आपके कोच ने कहा कि आप सप्लीमेंट लो, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कितना सप्लीमेंट लेना चाहिए, कितना आपका बॉडी वेट है, उसके हिसाब से हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए। और प्रॉपर क्लिनिशियन से पहले पता करना चाहिए कि कौन सा हम सप्लीमेंट लें, किसकी ज़रूरत है हमें, किसकी ज़रूरत नहीं है। और बहुत से बॉडी बिल्डर कहते हैं स्टेरॉइड ले लेते हैं, स्टेरॉइड से क्या होता है कि मसल टीयर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और क्रिएटिनिन भी बहुत ही मैं कहता हूँ स्ट्रिक्टली बहुत कम ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे किडनी पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। और सप्लीमेंट लो तो, लेकिन डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं उनसे प्रॉपर गाइडेंस में लेनी चाहिए सप्लीमेंट को। ओके, सो दैट वाज योर पर्सनल ओपिनियन ऑन सप्लीमेंट्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सनल। तो अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो मिस्टर ताहिर आपको कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि द ऑडियंस गोना बी प्रिटी इम्प्रेस्ड बाई योर नॉलेज, सो दे मस्ट बी लुकिंग अ वे फॉर टू कॉन्टैक्ट यू, सो प्लीज़ शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो उससे आप कॉन्टैक्ट। बिल्कुल, मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एंड आपको हमारे चैनल पर आके कैसा लगा थोड़ा वो भी बताइए। इनका चैनल पर आके बहुत मुझे अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ने क्वेश्चंस पूछा मुझसे, तो मैंने अच्छे इनको पता होना चाहिए कि कैसे मैंने जवाब दिए हैं। मिसेस ताहिर, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे सामने तो हनी भाई बैठे हैं और बड़े पापा भी बैठे हैं, वो पूरा इंटरव्यू उन्होंने देखा है एंड दे केप्ट स्माइलिंग, सो दैट शोज़ कि ही आंसर्ड वेरी वेल, और प्रिटी श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो के देख करके। इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि डम्बल उठा के उधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सो आई एम नॉट श्योर कि इफ इट्स गोना हिट और फ्लॉप, बट इट वाज प्रिटी इन्फॉर्मेटिव, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच मिस्टर ताहिर, एंड वी विल सी यू सून। मिस्टर ताहिर, तो आप अपने एंड पर कुछ बताना चाहिए हमारे चैनल के लिए ऑडियंस को। मैं बस एंड पे यही कहना चाहता हूँ कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। लिसन टू द डॉक्टर गाइज़।